राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज इस पोस्ट में जानेंगे कामदा एकादशी का व्रत किन गलतियों की वजह से खंडित होता है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी चैत्र नवरात्रि के बाद की पहली एकादशी है। सभी एकादशियों में इस एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों में इस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के वासुदेव रूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है और आज के दिन अन्नदान का विशेष महत्व है। कामदा एकादशी के कुछ विशेष नियम हैं। कामदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। यदि हम ये कार्य करते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के नियम। इसके लिए सबसे पहला नियम है जल्दी उठना। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। यदि परिवार के किसी सदस्य ने एकादशी व्रत नहीं भी रखा है तो भी उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि व्रत के दिन काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इसकी बजाय व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। एकादशी की पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप हमेशा तुलसी या फिर पीले चंदन की माला से करना अधिक शुभ और फलदायी माना गया है। और दूसरा नियम है इस दिन किसी को भी दरवाजे से खाली हाथ ना भेजें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन दान दक्षिणा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं दान करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन यदि आपके पास कोई कुछ मांगने आए तो भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। और इस एकादशी का तीसरा नियम है दूसरे का अनाज नहीं खाना। एकादशी के दिन किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको कोई भोजन पर आमंत्रित भी करता है तो जाने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको जाना भी पड़े तो भोजन को कर्ज समझ करके आप उसके बदले कोई दूसरी चीज़ देकर चुका देना चाहिए। कोशिश करें कि दूसरे का अन्न इस दिन ना खाएं। और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना इसका एक अहम नियम है। एकादशी के दिन अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनानी चाहिए। इस दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस नियम की अनदेखी करने पर इस व्रत का पुण्यफल नहीं मिलता है। और इस एकादशी का अगला नियम खान पान से संबंधित है। इस एकादशी में कुछ चीज़ों का सेवन वर्जित है। आइए जानते हैं इस एकादशी में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आज व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो एकादशी के दिन कुछ चीज़ों के सेवन से परहेज करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज मसूर की दाल गाजर शलजम गोभी पालक नहीं खाना चाहिए। और एकादशी और द्वादशी के दिन बैंगन खाना भी अशुभ माना जाता है। और इस दिन जौ का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मान्यता के अनुसार जौ महर्षि मेघा के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए एकादशी पर जौ का सेवन वर्जित माना जाता है और एकादशी पर चावल भी वर्जित है। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल का संबंध जल से होता है और जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा मन और सफ़ेद रंग के स्वामी माने जाते हैं। इस दिन चावल के सेवन से मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है। इस दिन सेब का सेवन करना संतान के लिए हानिकारक माना गया है। तो एकादशी के दिन खान पान के इन नियमों का जरूर ध्यान रखें और एकादशी के दिन ये कार्य भी ना करें। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन खुद से गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए और
एकादशी के इस दिन पर बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए और इसके साथ इस दिन देर तक सोना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना और दक्षिणा दिए बिना एकादशी व्रत का पारण कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये वो गलतियां हैं जिन्हें अगर हम करते हैं तो हमें व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपके काम आएगी। आप व्रत करते हैं तो ज़रूर ही इन नियमों का पालन करें और यदि व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इनके बताए हुए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझते हुए अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।